खरगोन शासकीय महाविद्यालय के बीकॉम के छात्र पुष्पेंद्र नामदेव ने 7 पड़ाव पार कर दिल्ली में आयोजित एनसीसी कैडेट्स की अनेक विधाओं में अव्वल दर्जा प्राप्त करके जिले सहित मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद पुष्पेंद्र जैसे ही खरगोन पहुंचा, कॉलेज प्रबंधन सहित छात्रों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। इस दौरान प्रथम रैंक प्राप्त करने वाले पुष्पेंद्र का जोरदार स्वागत हुआ, जिसमें छात्रों ने ढोल ताशों के साथ जमकर आतिशबाजी करते हुए खुशियां जाहिर की। एनसीसी कैडेट्स की कामयाबी को लेकर कॉलेज प्रबंधन ने पुष्पेंद्र के उज्जवल भविष्य की कामना की है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। चौथी पंक्ति कहलाती है, जिसमें अनेक कैंप होते हैं और उसमें 2 कैंप महत्वपूर्ण होते हैं, आरडीसी और टीएससी। आरडीसी और टीएससी में सिलेक्शन बहुत कम बच्चों का हो पाता है, जो अत्यधिक परिश्रमी हो, मेहनती हो, डिसिप्लिन में हो, कठोर परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे हजारों की संख्या में कैडेट्स का सिलेक्शन होता है। पहला कैंप, दूसरा कैंप, इस प्रकार से 10 कैंप, 7 कैंप होते हैं और 7 कैंप के बाद कैडेट को दिल्ली जाने का मौका मिलता है और ये कैडेट 10 दिन तक वहां पर अलग अलग विधाओं में अपना परफॉर्मेंस देते हैं। जैसा इस कैडेट का जो पुष्पेंद्र नामदेव है, बधाई का पात्र है, हमारे निर्माण के लिए, हमारे कॉलेज के लिए गौरव का विषय है कि पुष्पेंद्र नामदेव ने टेंट पिचिंग में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिल्ली में दिया। 4-5 प्रतियोगिताएं और होती है, जैसे MR होता है, आपका मैप रीडिंग होती है, इसके बाद क्या होता है, अपना फायरिंग होता है, आर्टिकल होता है, जिसमें कैडेट ने टेंट पिचिंग में बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और ये कॉलेज के लिए और हमारे मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। इसके पहले 2006 में और 2007 में कपिल पवार का हुआ था, वो बीकॉम का छात्र था। उसके बाद शैलेंद्र सोलंकी का सिलेक्शन हुआ था 2010 में, वो BA का छात्र था और ये बीकॉम का छात्र है पुष्पेंद्र नामदेव। बहुत बहुत बधाई हमारी कॉलेज की ओर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।